इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े बजट और बड़े स्टार्स की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। पहली कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 और दूसरी अजय देवगन की मल्टी स्टारर सिंघम अगेन। दोनों के मेकर्स ही रिलीज से पहले थोड़ा सा चिंता में थे कि क्लैश से उनकी फिल्म को नुकसान होगा, लेकिन कमाल ये है कि दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने 26 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 249.1 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं वर्ल्ड वाइड इसने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कार्तिक ने पोस्ट करके बताया कि भूल भुलैया 3 ने दुनिया भर से 408.52 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कार्तिक ने पोस्ट करते हुए लिखा, सब कुछ संभव है अगर जनता आपके साथ खड़ी हो और आप पर विश्वास करती हो। आप सभी का धन्यवाद, 400 करोड़ पार। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी भूल भुलैया 3 की रिकॉल वैल्यू अच्छी है। इसके दूसरे पार्ट को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। इस पार्ट में माधुरी और विद्या का कॉम्बिनेशन देखने जनता थिएटर में पहुंच रही है। दिवाली पर सिंघम अगेन के साथ रिलीज होने के बावजूद इसने 37 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली। पहले हफ्ते में इसने 158.2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उधर सिंघम अगेन की बात करें तो मल्टी स्टारर इस फिल्म को भी जनता ने खूब पसंद किया। ये पूरी मास फिल्म थी, इसमें वो सारे मसाले थे जो एक मास फिल्म में होने चाहिए। फिर अजय देवगन और रोहित शेट्टी के सिंघम फ्रेंचाइज की फिल्मों की रिकॉल वैल्यू भी ज्यादा है, इसलिए भी जनता थिएटर्स में पहुंची। क्लैश के बावजूद इसने 26 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 241.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। सिंघम अगेन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये आंकड़ा भूल भुलैया 3 से थोड़ा सा पीछे है। सिंघम अगेन ने दुनिया भर से 365 करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन क्लैश के साथ इस फिल्म की कमाई काफी अच्छी ही मानी जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि साल 2024 की दिवाली बॉक्स ऑफिस के हिसाब से सबसे बड़ी रही। इन दोनों फिल्मों ने क्रैश के बावजूद एक अच्छा कलेक्शन दिया है। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की रिलीज से पहले मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच कोल्ड वॉर सा माहौल था। देश भर में अपनी अपनी फिल्मों के शोज और स्क्रीन को लेकर दोनों चिंतित थे। एग्जिबिटर्स और थिएटर मालिकों के बीच भी खलबली थी कि किस फिल्म को कितने शोज दिए जाए। प्रोड्यूसर्स ने स्वीकारा कि उन्होंने इस क्रैश को रोकने की कोशिश भी की, मगर OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ हुई डील की वजह से दोनों ही अपनी फिल्में आगे नहीं खिसका सके। खैर, साथ रिलीज होने के बावजूद दोनों ही फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन किया। जनता ने भी दोनों फिल्मों को पसंद किया। हमने भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों का ही रिव्यू किया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, साथ ही हमारी वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।